बिकॉज यार एक्साइटेड कभी नॉर्मल हो सकता है क्या? और ये दीपक भाई, और बचा भाई, बट यार उस तरह से चलाना थोड़ा मुश्किल है। ओ भाई, अरे थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू मेरी लड़ लगा दो थैंक। अरे बाप रे, अरे इधर आ जाओ ना, सामने आ जाओ बेटा, उधर सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। फिर उसके मैं इधर से बैठूंगा ना, मैं से जुड़ा हुआ इंसान, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है। ये मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के खुशी में, थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही आप लोग सब भी अपना सपोर्ट बना के रखिए, या ये एक आप लोगों के लिए भी। पन्ना सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दो चीज बहुत बहुत मुबारक, अगले साल तक 1,00,000। ये सारे मेरे इनिशियल वो वाले सब्सक्राइबर है जिनको मैं चैनल बनाने से पहले बोल रहा था कि सब्सक्राइब कर लो। वाह समझदार तू, पढ़ेगा ना अब इसको, है ना? ये इतना शैतान है, जब भी मैं अखबार पढ़ूंगा ये आके सामने मेरे बैठ जाएगा और मुझसे कहेगा कि मैं इससे बात करूं। ये रियो, देखो रियो, देखो कहाँ हो गई, मेरे जल गई थी। हाँ अब ये बेजुबान है पर बोल नहीं सकता, जताता बहुत है कि ये जो मेरी चोट लगी है ना, इसको देख देख के जितना हो सके अपनी तरफ से अफसोस जताता है ना रियो, सच्ची में ना, प्यारा है ना मेरा रियो। खम्बा कनी एनकोरम जरी में हम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। मेरी तो दिवाली बहुत ही शानदार रही, थोड़ी खट्टी मीठी कह लो। कल ही रात को मैंने अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे किए, उसको सेलिब्रेट किया और इतना अच्छा लगा जब मैं घर पहुंचा तो शिवानी सीजो मेरी दोस्त और उसके अलावा बेटी ने मम्मा ने मिलके मेरे साथ वो सेलिब्रेट किया, केक काटा। फैमिली के साथ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का जो फील आया ना यार, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। और ये देखो जयपुर के नज़ारे, ये झलाना डूंगरी वाला एरिया है गाइस, ये पूरा ऐसे हरा हो जाता है ना बारिश के बाद, अब ये मार्च अप्रैल तक ऐसे ही रहेगा। और अमेजिंग फन आता है इसके अंदर लेपर्ड सफारी घूमने जाने का, वो भी कभी मौका मिला तो चलेंगे। हाँ तो मैं बता रहा था, दिवाली में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, हाथ में पटाखा चल गया था मेरे पड़ोसी के और उनके पास ही मैं दिया जला रहा था तो वहीं से ही मेरे हाथ में भी वो चिंगारी लगी और हाथ पूरा जल गया। अभी काफ़ी हद तक ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग भी ध्यान रखें। वैसे मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ राइडिंग गियर्स को, सेफ्टी गियर्स को और सेफ्टी से राइड करने को, बट आज मैं खुद बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो ये इसमें थोड़ी सी अभी जलन भी और स्किन उतरनी बाकी है या चढ़नी बाकी है, इस वजह से मैं ग्लव्स नहीं पहन पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज बिना ग्लव्स के राइड करी है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग प्लीज़ राइडिंग गियर्स सेफ्टी गियर्स का पूरा ध्यान रखें और जब भी राइड करें तो ये सबसे ज़रूरी अपना एक पहला रूल बना लें। और आज मैं हूँ सुपर एक्साइटेड। अब बोलोगे कि ये सुपर क्यों लगता है? बिकॉज यार एक्साइटेड कभी नॉर्मल हो सकता है क्या? जयपुर में अभी गो कार्टिंग नया आया है, वहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाया है, एक्सपीरियंस लेने के लिए बुलाया है, तो अपना तो जाना बनता ही था ना। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हम वहाँ थे कि मैं बता रहा था कि आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। सुपर एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि जयपुर सुपर बाइकर्स को फाल्कन ने बुलाया है, फाल्कन यानी कि गो कार्टिंग क्लब ने, कि हम वहाँ पे आए और गो कार्टिंग करें, एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस लें गो कार्टिंग का। बाकी वहाँ क्या फन होने वाला है उसको देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और चैनल में पहली बार है तो गाइस यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अभी 10,000 किया है, अभी तो यार मुझे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुटाने हैं, मुझे 1,00,000 करना है, उसके बाद 10,00,000 करना है और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे 50,00,000 पे भी पहुँचना है, बट उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। ओ भाई, अरे नहीं भाई। ये देखो, ये एक्चुअली इसका डिजिटल मीटर शायद ख़राब हो गया, 188 दिखा रहा है, देख के दिमाग ख़राब हो गया, बट अगेन वही हुआ, मैं पहुंचा और ग्रीन हुई और मुझे खड़े भी नहीं होना पड़ा और जस्ट आई स्टार्टेड। नाउ आई जस्ट एंटर्ड मानसरोवर, मानसरोवर में भी क्रॉस करके आगे जाना है मानसरोवर एक्सटेंशन और वहाँ पर है नारायण विहार, वहीं पर ही है ये, हालांकि मैं पहले गया नहीं हूँ तो मुझे ये गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है सीधे जाना पसंद ही नहीं है, आदतन मजबूरन मैंने जो रास्ता सीधे जाना था वहाँ से पहले ही टर्न ले लिया, बिकॉज अभी जो जयपुर में रिसेंटली नया ओपन हुआ है द पार्क, पता नहीं अभी जो नाम है मैं अभी ढंग से ध्यान से उसको पढ़ भी नहीं पाया हूँ, वो अभी मानसरोवर में सबसे बड़ा पार्क अभी ओपन हुआ है, वो देखते हुए चलते हैं, हालांकि अंदर नहीं जा पाएंगे बट बाहर से देखते हुए चलें, आइडिया लें कि क्या है और कभी मौका मिला तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। और ये आ गई वो लोकेशन जो मैं बता रहा था, उस तरफ है न्यू सांगनेर रोड, न्यू सांगनेर रोड से मध्यम मार्ग तक और मध्यम मार्ग से शिप्रापथ तक के बीच का जो ये पूरा ओपन एरिया है, इतना बड़ा एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ
सिटी पार्क, यस सिटी पार्क के नाम से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से। बहुत ही बड़ा पार्क बना है, ये वाला चालू हो चुका है, इसमें अभी काम बाकी है तो ये अभी बनेगा। और अब अपन ने एंटर कर लिया है मानसरोवर एक्सटेंशन में। ये मानसरोवर न्यू सांगनेर रोड क्रॉस करने के बाद का जो आगे आने वाला डेवलपिंग एरिया है वो हो जाता है। और आगे जहाँ हम जाएंगे ना वंदे मातरम चौराहा, और वहाँ से ये पूरा अजमेर रोड तक जो कनेक्ट करने वाला है वो भी वन ऑफ द बेस्ट रोड जयपुर की बनने वाली है। और अब हमने क्रॉस कर लिया वंदे मातरम चौराहा और उसके बाद हम हैं वंदे मातरम रोड पे। गूगल दिखा रहा है यहाँ से अभी 8 मिनट का रास्ता और करीब करीब 5.4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फाइनली पहुँच गए। क्या हाल चाल है विनोद भाई? कैसी रही दिवाली? मजेदार। हमारी क्या हो गया? हाथ में। और गोप्रो के बाद डायरेक्ट एंट्री है पिंक फाल्कन पे, जो कि हमारा गो कार्टिंग का आज का वेन्यू है। पूरा हमारा जेएसबी का लाइनअप। सितेश भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। थैंक यू। हाँ, अच्छा देखा आपने? यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे यार, सो नाइस ऑफ यू। हेलो बेबी, कैसे हो आप? अच्छा, आप देखो, आप इसमें दिख रहे हो, आप इसमें दिख रहे हो, और बाद में आप अपने आप को देख भी सकते हो इसमें। देव दादा की जय हो। अपने को थोड़ी स्पेशल परमिशन मिल गई है शूट करने के लिए, कवर करने के लिए। तो ये यहाँ पे जो मार्शल्स बोलते हैं ना, यहाँ पे जो मार्शल्स बैठते हैं वहाँ पे जाके बैठेंगे, आने और जाने वाली गाड़ियों को अपन उसमें कवर करेंगे। थोड़ी प्रिविलेज सी फीलिंग हो रही है। मार्शल भैया ने अपनी सीट मुझे दे दी है यहाँ से अच्छे से देखने के लिए, शूट करने के लिए। वहाँ हमारी टीम तैयार हो रही है, नेक बैंड और शावर बैंड वगैरह, पता नहीं क्या क्या अल्टीमेट मतलब क्या क्या आइटम लगा रखे हैं उन्होंने। और जब वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूँ घूमते हुए आएंगे और यहाँ सामने से आएंगे। ओके, और रेस स्टार्ट हो गई है। ये हैं हमारे दीपक भाई, और उधर वो तुषार भैया आए, अभिनव भाई। सही खींच रहे हैं सब। ये हमारे सब बाइक पे होते हैं ना, तब उनकी स्पीड देखो, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड को खींच रहे हैं। मजा आ रहा है, शानदार। अभिनव भाई किक। और ये सितेश भाई, इनका हेलमेट अलग ही दिखता है भाई, अलग पहचान में आती है। ये दीपक भाई हमारे, ये अभिनव भाई। आय हाय, स्केट स्केट, शानदार भाई, शानदार शॉट्स आ रहे हैं। ये देखो हमारे उधम कारे अभिनव भाई, बिल्कुल चिपक के शायद तक क्रॉस भी कर लेंगे। सही स्केट मारा। और ये आय यार, कंट्रोल बहुत अच्छा है, स्केट भी मार रही है बट स्पीड को बनाए दीपक भाई। और ये स्केट मारी, ये मजा आ रहा है, शानदार। अभिनव भाई बिल्कुल चिपक के चला रहे हैं, बिल्कुल चिपक के, थोड़ी सी स्पेस मिल जाए तो क्रॉस भी कर लेंगे। ये तुषार भैया आए, और ये स्केट देखना, शानदार वाला। तुषार भैया की सही एक्सपर्टीज हो रखी है, सही एक्सपर्टीज हो रखी है। और ये स्पेस लेके निकल गए आगे, और ये देखो, ओ मैंने बोला था ना, अभिनव भाई निकल चुके हैं आगे और दीपक भाई लगे हुए हैं लपकाने में। तुषार भैया को देखने का अलग मजा आ रहा है, क्या स्केट करते हुए लेके जा रहे हैं, प्रोफेशनली चला रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और ये दीपक भाई, और बचा भाई, बचा बचा, जोश में आ चुका है दीपक भाई हमारा। और ये तुषार भैया को फिर से देखना, और ये है मजा। ड्रिफ्ट बहुत शानदार थी यार, मजा आ गया था। मजा आ रहा है, मतलब बाइक से बहुत अलग है, डिफरेंट, फोर व्हील्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्टिंग मैंने देखी, ड्रिफ्टिंग बहुत सही मचक के चला रहे थे यार, मजा आ गया देख के। तुषार भैया ने हाथ और ट्रैक दोनों साफ किया आज। पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा सेशन स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी मेरा भी टर्न आ गया, अब मैं भी रेडी हो गया हूँ, मैं जाऊँगा सीधे ट्रैक पे। दिल धड़क रहा है, मेरे को कार्ड नंबर 13 अलॉट हुआ है, इसको अभी चल के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। पहले एक बार इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, सिटिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी लग रही है, सही है, मज़ा आ रहा है। ये अलग तरीके का मोटो व्लॉग होने वाला है आज भाई, एक्चुअली ये गो कार्टो व्लॉग होने वाला है, गो कार्टो व्लॉग। यहाँ से इसको पहले स्टार्ट करेंगे शायद, ये स्टार्ट करना होगा मुझे। अच्छा, आप करके दोगे? ये ब्रेक है, ये एक्सेलेटर है, और ये स्टीयरिंग है, पता है ना आप लोगों को? मुझे नहीं पता था, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ जानने की। स्टार्ट करो। भाई तो यार ये तो हल्के से मोमेंट में भी बहुत तेज रिएक्शन दे रही है।
भाई मैं जिस तरह से देख रहा था ना, लग रहा था कि इजी होगा, बट मजा आ रहा है, बट यार उस तरह से चलाना थोड़ा मुश्किल है। ओ भाई तो ब्रेक। हाँ यार भाई दिल धड़क रहा है। नहीं देखना आसान है भाई कि यार ऐसे चला लेता वैसे चला लेता, बट है नहीं उतना आसान। ओ भाई यार ये मेरी स्किड हो रही है क्या? मुझे आवाज़ तो आ रही है बट पता नहीं स्किड हुई नहीं हुई। अच्छा लेफ्ट साइड, ओके मार्शल्स गाइड कर रहे हैं, वो लेफ्ट साइड चलाऊं। ब्रेक लगाया थोड़ा सा ऐसे लिया। ओ भैया भानु भैया बहुत आगे निकल चुके हैं मुझसे। नहीं मैं सेकंड निकला था, ये देर दादा थे हमारे। मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ क्या यार? पता नहीं मुझे। अच्छा थोड़ा सा इधर दबाऊं। ओके मार्शल्स गाइड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ओके अब कॉन्फिडेंस आया। यस अच्छा ये इतना नज़दीक से मेरे को टर्न लेना है जिससे कि मेरे को स्पेस मिले आराम से करने का। और यस अब आया कॉन्फिडेंस सेकंड राउंड से। यस नहीं यार ये मेरा थर्ड है शायद, पता नहीं जो भी है, बट कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को। यो बट ठीक है, ये जस्ट पहला एक्सपीरियंस था, इसको जस्ट एक्सप्लोर करना है, अभी एक्सपीरियंस लेना है, कोई हाबड़ तोबड़ जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा। अगली बार या तो फिर प्रैक्टिस के लिए आता रहूंगा तो कुछ एक्सपर्टीज दिखाएंगे। बट जो तुषार भैया चला रहे थे ना, आई रियली डोंट नो, उन्होंने जरूर प्रैक्टिस करी होगी। यार क्या पिकअप है इसका, शानदार, अभी समझ में आया मेरे को। अच्छा ओके हमारा लैब पूरा कंप्लीट हुआ, अब वापस जाना है। और मुझे लास्ट में फाइनल लैब में भानु भैया ने ओवरटेक कर लिया था, और ये जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही जस्ट भानु भैया के पीछे आया हूँ। कुछ अच्छा और अलग एक्सपीरियंस था यार, अल्टीमेट वाली फीलिंग थी, अपने आप को सेट रखने के लिए स्टेयरिंग के ऊपर सीट के ऊपर मेहनत जो लग रही थी ना उससे काफ़ी स्वेटिंग भी हुई। और अल्टीमेट चीज़ ये थी कि गाड़ी का जो कंट्रोल था अल्टीमेट था यार, कितनी भी स्पीड पर आप टर्न कर लो गाड़ी न तो जगह छोड़ रही थी, कॉन्फिडेंस जो दे रही थी, साथ में आप एकदम से एक्सीलरेट करो जस्ट जो पिकअप दे रही थी, जो पंच दे रही थी, ब्रेक लगाते ही अपने आप को ऐसे जो रोक रही थी, बॉडी को अच्छी खासी मेहनत लगी। छोटा राइडर रेडी है, आप भी चलाओगे ना? चलाओगे? और कौन नहीं चलाने जरा? अच्छा आप नहीं चलाओगी? क्यों आप क्यों नहीं चलाओगे? आप भी चलाओगे? तुषार भैया जो आपने परफॉर्मेंस आज ट्रैक पे दी ना, देख के मजा आ गया। अब कुछ गाड़ी के बारे में बता दो मुझे। यार ये इलेक्ट्रिक कार्स है। हाँ जी। और बैटरी स्पेसिफिकेशंस तो मेरे को आइडिया नहीं, बट अच्छी खासी पूरे दिन चल जाती है ये कार। 2 किलोवाट की इसकी मोटर है। हाँ जी। इंस्टेंट होता है अगर ईवी चलाई हुई है तो। हाँ वो पावर इंस्टेंट जो मिल रहा था। मशीन अगर आपको रेसिंग एक्सपीरियंस करनी है तो ये आज के डेट में दिस इज द बेस्ट मशीन। प्लस इसमें आप टायर्स देखोगे तो ये स्लिक टायर्स हैं, ये रेसिंग के लिए होते हैं, वही अपने जो सॉफ्ट कंपाउंड वाले हैं वही। स्टीयरिंग इसका बहुत हार्ड होता है बिकॉज ये बेसिक स्टीयरिंग है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि फॉर्मूला 1 राइडर्स कैसे चलाते होंगे गाड़ियां। एक्चुअली वही फील आ रहा था भैया, वही फील आ रहा था। चलो सेतु भाई चलते हैं, आज की सभा बढ़ाएंगे, थोड़ा नौकरी भी जाना है इसीलिए। चलो जी ओके जी। चलो अभी और भी 2 सेशन बाकी हैं, बट मुझे क्योंकि ऑफिस जाना है, डुकाटी डियावल डुकाटी मल्टी स्ट्राडा, हाँ बैक टू बेसिक बैक टू पवेलियन। भाई लोगों जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। हालांकि मेरा सेशन बाकी था बट फिर भी जो मैंने टाइम दिया था ऑफिस में, हालांकि मैं लेट हूँ बट जो टाइम दिया था उसमें मुझे जाना है, सो मैं निकल आया हूँ अपने ऑफिस के लिए। थोड़ा एनर्जी गेन कर लिया जाए बिकॉज आई रियली डोंट नो उस गो कार्टिंग में ना जितनी एनर्जी लगी, मतलब जनरली जो बाइक चलाते हैं ना उतनी एनर्जी उसमें नहीं लगती है, गो कार्टिंग में जितनी एनर्जी लगी उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा नारियल पानी। सो गाइज हम तो जाएंगे अब अपने ऑफिस, अपना काम करेंगे। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ तक देखा है तो इतना तो बनता भी है ना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।